सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी कमर्शियल पायलट एंड टेक्निकल लाइन के लिए आपके कुछ वैकेंसी आई हुई हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए, तो फ्रेंड्स उनकी जो उसका जो नोटिफिकेशन है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पब्लिश हो गया है। और आपने अगर नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप मेरी टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने इस नोटिफिकेशन को डाल दिया है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, एज लिमिट कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका शायद में ही कोई डाउट बचे, अगर कोई डाउट बचेगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स उसी के लिए बनाया जाता है जिसे डाउट रहता है, ठीक है। और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा, आपके कमेंट मुझे प्राउड फील कराते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इसका वाक्य है वो तैयार प्रासंगिक और उत्तरदायी है, ठीक है, रेडी रिलीवेंट एंड रिस्पॉन्सिव। चलते हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कब से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका 6 अगस्त से, ठीक है, 6 दिसंबर से और 17 दिसंबर तक, ठीक है, 6 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आपका ऑनलाइन इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर यह वेबसाइट जो है चलेगी। 6 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में अगर आपको करना है तो आप कर देना यहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारी पोस्ट भी हैं, मैं पोस्ट के बारे में भी बताऊंगा। ग्रुप ए की ये वैकेंसी है, आपको पता है गैजेटेड ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट, जिसमें आपकी पोस्ट की बात करते हैं तो जनरल ड्यूटी हुआ और कॉमर्शियल पायलट हुआ, उसके बाद इंजीनियरिंग, आपको पता है कि इंजीनियरिंग भी इसमें काम में आती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो जनरल ड्यूटी के लिए बात करते हैं, तो इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जनरल ड्यूटी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि ये फीमेल एंड मेल दोनों के लिए आई हुई है, ठीक है। तो मेल जेंडर मेल की बात करते हैं तो जो जीडी है वो जेंडर मेल के लिए है। एजुकेशनल की बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इनकी आपको बीएससी या बीए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, वो भी 60% मार्क ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके 59% हुए तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसमें बोला गया है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क होने चाहिए, अगर 60% मार्क नहीं हुए तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये बात कुछ खास हैं जो आप लोगों को याद रखना है। तो जनरल ड्यूटी के बारे में जितने भी पॉइंट थे मैंने बता दिए हैं। अब बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट, आपको पायलट बनने का मौका इसमें मिलेगा, ठीक है। और बात करें आपकी एज लिमिट की तो 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003 के बीच में आपका एज रहने वाला है। बात करें कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की, कैंडिडेट होल्डिंग करेंट वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, उसके बाद वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होना चाहिए और फिजिक्स एंड मैथ में 60% मार्क होने चाहिए, ये भी बात याद रखना। अब बात करते हैं टेक्निकल जो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल के लिए है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1997 से और 30 जुलाई 2001 के बीच में आपकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट हैं इसमें, इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री आपको मिलेगी तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकेंगे टेक्निकल लाइन के लिए। तो आपको 60% मार्क इंजीनियरिंग में होने ज़रूरी है। इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग ब्रांच नवल आर्किटेक्चर ऑफ मैकेनिकल और मैरिन ऑफ ऑटोमेटिव और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्टिव प्रोडक्शन, और ये कुछ है इसकी वो है वो जहाँ पे आप लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया है कि आपके 60% मार्क होने चाहिए 12th में और फिजिक्स एंड मैथ में 60%। उसके बाद बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC ST के लिए आपका 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पे OBC के लिए 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और इसमें सब कुछ नोटिफिकेशन में दिया गया है तो मैक्सिमम 5% रिलेशन इन एग्रीगेट इन द डिग्री सर्टिफिकेट, SC ST के लिए 5% की छूट मिलेगी जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसमें, ठीक है।
उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट जो EWS में लगाया जाता है, जो EWS होता है, इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेशन, तो ये जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना अनिवार्य है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं, तो वैकेंसी है आपकी GD के लिए 30 और पायलट के लिए 10 वैकेंसी है, टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 6 वैकेंसी है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रीफिंग से पढ़ना है तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे क्लिक करना और इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो कब से ऑनलाइन होगा, तो आपका 6 दिसंबर से और 17 दिसंबर के बीच में आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट है, और आप लोगों को फिर से बता दें कि डॉक्यूमेंट जब आप वहां पे सबमिट करेंगे तो कोई भी गलती ना हो, छोटी मोटी गलती आपका जो है बड़ा घाटा करा सकती है, और देख देख के कोई भी इन्फॉर्मेशन भरना है आपकी तो उसे देख कर भरना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी प्रकार से लगातार वीडियो मिलती रहती है। और अगर आपको ये जो PDF है पूरा पढ़ना है, तो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, उस पर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके इस वीडियो को पूरा देखना और इस नोटिफिकेशन को भी पढ़ लेना, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।